तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है टेम्परेचर। ठीक है कि एक 5 स्टार होटल में टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, फ्रीज़र का और चीलर का और ड्राई स्टोर का। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके बिना काम हो ही नहीं सकते इन तीनों चीज़ों के अलावा। ठीक है, क्योंकि हमें स्टोर कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना कि चीलर, फ्रीज़र और ड्राई स्टोर, इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीलर का। ठीक है, कि चीलर का मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है ना, उससे ज़्यादा होगा तो मतलब खाना खराब होना चालू कर देगा, बैक्टीरिया ग्रो करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक में बात करेंगे कि फ्रीज़र का, चीलर का और ड्राई स्टोर का टेम्परेचर होना कितना चाहिए एक्चुअली। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ, मेरे पीछे चीलर, इसका टेम्परेचर हमेशा होना चाहिए 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 1 से लेके 4 तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से 5 भी नहीं होना चाहिए। 5 हुआ मतलब डेंजर जोन में, मतलब टेम्परेचर बहुत कम है। तो मेरे पीछे चीलर है, देखो यहाँ 0.3, मतलब ये सही है, सही चल रही है। 1 से लेके 4 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 5 नहीं जाना चाहिए वो। ठीक है, जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है फ्रीज़र। ठीक है, तो फ्रीज़र मतलब जो हम फ्रीज कर देते हैं किसी भी चीज़ों को, जो जम जाता है, एकदम आइस हो जाता है। ठीक है, तो फ्रीज़र का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए -18 से ऊपर जा सकता है ये, लेकिन -18 के नीचे नहीं आ सकता ये। अगर -18 के नीचे आने लगेगा मतलब ये मेल्ट होने लग रहा है। ठीक है, सामान जो हमने फ्रीज करके रखा है वो मेल्ट होने लग रहा है और फिर बैक्टीरिया क्या होगा, ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, तो फ्रीज़र का जो टेम्परेचर होता है -18+ चलेगा, लेकिन -18 बिलो नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो थर्ड टॉपिक होता है, जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टोर। ठीक है, जहाँ पर भी जो भी हम अपना ड्राई स्टोर का जो टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, उसका टेम्परेचर जहाँ पर हम ड्राई, मान के चलो पल्सेस रख लिए, राइस रख लिए, है ना, ड्राई से रिलेटेड जो भी चीज़ें, स्पाइसेस रख लिए, है ना, तो उसका जो स्टोर है ड्राई स्टोर, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो उसका टेम्परेचर दोस्तों होना चाहिए below 25। ठीक है, below 25, above 25 मतलब वो फिर खराब होने लग रहा है टेम्परेचर, मतलब वो हीट हो रहा है। ठीक है, below 25 ही हमेशा उसका टेम्परेचर होना चाहिए, किसका, ड्राई स्टोर का। तो हमेशा इन बातों को याद रखें कि ड्राई स्टोर का टेम्परेचर हमेशा below 25 होना चाहिए, ना कि above 25। above 25 मतलब खराब होने की प्रोग्रेस में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगेन फिर से आएंगे नए टॉपिक में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। सो बाय।